गोरखपुर में बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को 78 बूथों पर वैक्सीन लगाई गई। आज 7221 लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 6753 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। कुल 93.5% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। इनमें फ्रंटलाइन वर्करों को पहली और स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लगाई गई, जिसमें 3850 महिलाओं और 2903 पुरुषों का वैक्सीनेशन हुआ। इस टीकाकरण के व्यवस्था की जिम्मेदारी 10 नोडल अधिकारियों को सौंपी गई थी। टीकाकरण के दौरान सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने जिला अस्पताल में बने टीकाकरण बूथ सहित अन्य बूथों का निरीक्षण कर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना टीकाकरण प्रथम चरण में हुआ था। 28 व 29 जनवरी को जिन्हें टीका लगाया गया था, उन्हें 25 व 26 फरवरी को दूसरी डोज दी जानी थी। गौरतलब है कि फ्रंटलाइन वर्करों का भी टीकाकरण समाप्त हो चुका है। बचे हुए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाने के लिए हर सोमवार को मॉपअप राउंड आयोजित किया जाएगा। मार्च से तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। मॉपअप राउंड के अलावा दूसरी डोज के लिए भी टीकाकरण आयोजित किया जाएगा। तीसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर व इससे नीचे के बीमार लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं। आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की को सूची बनाने के लिए लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि तीसरे चरण में लगभग 8 लाख लोग हो सकते हैं, जिन्हें 400 बूथों पर टीका लगाने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज नीचे करिए पच्चीस फरवरी को
हमारे 33 अस्पतालों में 79 बूथ पर दोनों फ्रंट लाइन वर्कर्स का और का मापअप राउंड था और हेल्थ वर्कर्स का सेकेंड डोज का था। तो और सेकेंड डोज में भी कुछ लोग जो फर्स्ट डोज लगवाए हैं, तो इस तरह से हमारे पास 7,407 का लक्ष्य था, जिसमें हमने अभी तक 90% अचीवमेंट कर लिया है। कुछ जगहों पर अभी भी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो हम आशा करते हैं कि इससे ज़्यादा भी हो जाएगा हमारा। सर कल भी ये वैक्सीनेशन होना है, कल किन को लगना है? कल का हेल्थ वर्कर्स का ही लगना है, सेकेंड डोज लगना है। कल से अब फर्स्ट डोज की कार्रवाई बंद हो जाएगी, अब ना ही तो फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा और ना ही हेल्थ वर्कर्स को फर्स्ट डोज लगेगा, अब इसके बाद सेकेंड डोज ही चालू हो जाएगा। सर जो अब तक स्वास्थ्यकर्मी या पुलिसकर्मी बचे हैं जिनका नाम अपलोड नहीं था, उनको फिर कब मौका दिया जाएगा? अब उनको जनरल पब्लिक के साथ में 60 साल के ऊपर के लोगों का जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तो उसके साथ भी इनको मौका मिलेगा, तो इनको वैक्सीनेशन कराया जाएगा।